हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्लड के बारे में, यानी बाढ़ के बारे में। जैसे कि हम नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे बाढ़ के बारे में। जो बाढ़ है वो कैसे आती है, ठीक है, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके क्या क्या मेज़र्स रहते हैं जो हम फॉलो करें तो हम खुद को बचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया था कि आप ऐसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी बाढ़ के बारे में बताऊंगी कि कुछ हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो पॉइंट्स बनते हैं उसके जैसे अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत हद तक खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बाढ़ की तो क्यों ये होती है, सबसे पहली बात तो ये एक वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर है। ये हर एरिया में ज़्यादातर ऐसा डिज़ास्टर हो ही जाता है, ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ बड़ी नदियाँ होती हैं, ओशियंस होते हैं, समंदर होते हैं, ऐसी जगहों पे ये देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब क्यों होता है ये, एक समय बारिश होती है तो क्या होता है, नदियाँ जो हैं रिवर्स जो हैं वो उस पानी को एसेस कर लेती हैं, पर उसके बाद क्या होता है, जब ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है तो वाटर रिवर्स से फ्लो आउट होने लगता है, क्योंकि ओवरफ्लो होने लगेगा फिर तो ना, नदी में पानी जितना आया उतना तो आया ही, साथ में अब उससे ज़्यादा पानी है तो नदी में पानी जो है वो फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा पानी बढ़ रहा है तो अब वो तो फ्लो होगा ना, बाहर जाएगा, तो क्या होता है बहुत से एरियाओं में, बहुत से इलाकों में इस तरीके से पानी भरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये रिवर रहती है और फिर अगर आसपास से पानी आ रहा है और रिवर क्या है ओवरफ्लो ऐसे होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्लोडेबल एरिया ये है, इसका फ्लोडेबल एरिया, यहाँ से क्या होगा, फ्लड आना शुरू होगा, बाढ़ आने के चांसेस यहाँ से शुरू होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी रिवर्स रहती हैं, ओशियंस रहते हैं, उनमें जब ज़्यादा पानी फ्लो आउट होने लगता है तो फिर बाढ़ आना शुरू होती है, ठीक है। ऐसी चीज़ों पर हम अगर ध्यान दें, जब भी रेनफॉल हो रही है तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये पहले तीन सिंपल स्टेप रहते हैं, जैसे कि गेट टू हायर ग्राउंड, मतलब आप कोशिश करें जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उससे ऊपर के फ्लोर पर रहना शुरू करें, वहाँ चले जाएँ, ठीक है। कभी भी ऐसे मौसम में ड्राइव नहीं करना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए, कोशिश करें कि हम अपने घरों में ही रहें और स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी हमें जानकारी रहना चाहिए कि किस एरिया में, किस जगह पर ज़्यादा बारिश हो रही है और उस जगह पर पानी भर चुका है, यहाँ ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए हमें अपना टीवी, रेडियो ये सब हमें सुनते रहना चाहिए, जिससे हमें ठीक से इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम जान सके कि हमारे किस एरिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। साथ ही उस एरिया को हमें अवॉइड करना है जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने के चांसेस हैं, हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी बिल्डिंग में हैं, उसके अपर लेवल पे आपको रहना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि कोई भी इस समय पे ऐसी कोई नदी पार करने की कोशिश ना करें और ना ही रिवर्स में के बोट में बैठ के आप उसे इंजॉय ना करें, कोशिश करें, ठीक है, स्विमिंग ना करें ऐसे टाइम पर। और ध्यान रखें कि कोई भी रोड ब्रिज पर आप ध्यान से उस जगह पर ना जाएं, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें। इसके लिए आपका इन्फॉर्म्ड होना, आपको सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके के ये स्टेप्स रहते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है खुद अवेयर रहना होगा जब ये रेनी सीज़न आता है, जहाँ सुनामी जो है उसके आने के चांसेस हैं, मानसून हैवी होता है, तो आपको खुद से अलर्ट रहना चाहिए। आपको अपने हाउस का डिज़ाइनिंग ऐसी करवानी चाहिए कि वो बारिश होने पर उनमें कोई नुकसान ना होने पाए, पानी ऊपर तक ना भरने पाए, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही आपको इन्फॉर्म्ड तो रहना ही है, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं, कोशिश करें कि आप बाहर ही ना निकलें, पर इन केस अगर ज़रूरी है तो कोशिश करें ऐसा कोई ब्रिज क्रॉस ना करें जो रिवर से होता हुआ जा रहा हो, रिवर के ऊपर से ब्रिज जा रहा है, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रेनफॉल है, ठीक है, पानी बरसना बहुत ज़रूरी है, पर जब वो ओवरफ्लो होने लगता है, ओवर रेनफॉल होने लगती है, जब लैंड पोरिंग होने लगता है तो क्या होता है, बाढ़ आती है, ठीक है। तो अब ये बाढ़ जो रहती है बहुत प्रॉब्लम ला सकती है, प्रॉपर्टी हार्म के साथ साथ आपको ऐसा भी हो सकता है कि खाने को भी ना मिल पाए इस जगह पे, ठीक है। तो इसलिए जो भी एरियाज़ ऐसे रहते हैं जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती हैं और रिवर्स हैं, तो उन लोगों को अपने घरों का जो बेस है वो थोड़ा हाई करके बनाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उनको डिज़ाइन करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए कि थोड़ा पानी उनमें कम भर पाए, ठीक है। और
पानी ठीक से निकल पाए, ऐसा ना हो पानी आसपास जमने लगे, ऐसी भी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि वाटर जो है वो ड्रेन आउट ठीक से हो पाए रास्ते में से। इस तरीके से देखिए एक ये जो डायग्राम है, अब इसमें क्या है, फ्लूड प्लान है ये, ठीक है, इस तरीके से। पर क्या हुआ, ड्यूरिंग हैवी रेन ये पानी जो ओवरफ्लो होने लगता है, तो जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है तभी तो बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश आती है तो क्या होता है, बाढ़ आना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब ये पानी जो है वो फ्लो आउट होना शुरू हो जाता है, ऊपर से निकलने लग जाता है, तो बाढ़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अब रिवर ने तो इतना पानी ले लिया, अब बाहर जो निकल रहा है अब उसका क्या होगा, अब वो भरना शुरू हो रहा है जगहों पे। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है कि हम अपना पहले से ही जो हम जहाँ रह रहे हैं उसको इस तरीके से बनाए घर को कि थोड़ा पानी कम भर पाए वहाँ, और कोशिश करें कि जिस ग्राउंड पर हम रह रहे हैं उससे अपर ग्राउंड पर रहें, उस टाइम के सारे अरेंजमेंट्स कर लें, ऐसा ना हो कि हमें थोड़ा भूख से परेशान होना पड़े। एक बार केरला में बाढ़ जब आई थी तो यही तो हुआ था, वहाँ के लोग परेशान होने लगे थे, इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई वहाँ पे। तो बस यही है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान दें तो हम ऐसी चीज़ों से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया रेनफॉल के बारे में, मतलब कि फ्लूड के बारे में, बाढ़ के बारे में, कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। तो इसके प्रिवेंशन, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के कुछ ही स्टेप्स हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करके खुद को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को कैसे बचा सकें, इनके बारे में हम जान सकें, ठीक है। तो ये आज मैंने बात की बाढ़ के बारे में। बाकी ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसके लिए हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, पर इस तरीके के प्लान्स फॉलो कर सकते हैं, खुद का प्लानिंग बना सकते हैं, तो हम ऐसे बचाव कर सकते हैं खुद का, ठीक है। तो थैंक यू।